जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति के पुस्तक 37 अध्याय 24 और 25 वचन। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंट पर सुगंध द्रव्य पलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। ये इतना तड़प रहा था गड्ढे पर, लेकिन उसी वक्त उस भाइयों ने बैठ कर भोजन कर रहे हैं। ये इतना तड़पने के वक्त में ये भोजन करने की बातों को अपने मन में गहराई रूप में चोट में पहुंचा, वो भूल नहीं सका है। दूसरा में आप देखिए, इस्माइल के हाथ में बेच दिए हैं। इस्माइल ने उस पोतीबार के घर में 30 सिक्के के लिए इन्हें बेच दिया है। एक जवान को पाप को करने के लिए इतना वो आकर्षित की है, जब वो माना नहीं है, एक बेगुने जवान को सत्यानाश करने के लिए वो स्त्री जो है बदला लेने के लिए चाह रही है, इसी को यूसुफ बोल नहीं सकता है। और यूसुफ अभी जेल पर आ गया है। कौन इन्हें जेल में भेजा है? पोतीबार। यूसुफ के चलते उसके घर में इतनी हंसी हुई है, उसको भी भूल कर यूसुफ को जो है जेल में डाल दिया है। इतना स्वार्थी है ये, पत्नी कही इसी से वो मान के जेल में डाल दिया, कुछ पूछताछ भी नहीं किया। और दाखरस पिलाने वाला वो कह रहा था जरूर मैं तुम्हें स्मरण करूंगा, लेकिन जब उसको राजगदी में मुकाम मिला है यूसुफ को भूल बैठा है, बिल्कुल यूसुफ को याद नहीं किया। दुनिया में ऐसे ही है, अपने जीने के लिए आपको पर गलत इल्जाम लगाने वाले स्वार्थी इतने लोग हैं और आपको बर्बाद भी किए हैं। ऐसे ही लोगों के बीच में आप दुनिया में रहते हैं। आज भी आपके समाज में, आपका साथ, आपका बिजनेस में काम करने वाले ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना है तो आप पूरे दिल से इन सब को आप क्षमा करना होगा। यदि पूरे मन से क्षमा करके भूल जाएंगे तभी एक नई शुरुआत हो सकता है। हमारे आशीष का रुकावट यही कारण हो सकता है। यदि पूरे मन से पूरे दिल से उनको क्षमा करेंगे तो आशीष के लिए परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता को खोलेगा, कोई रुकावट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।